बिग बॉस 11 में अपने रोमांस और अफेयर के कारण चर्चा में रहे पुनीश शर्मा और बंदगी कालरा वैलेंटाइन डे मनाने को तैयार हैं। दोनों ने मुंबई से 3 घंटे की दूरी पर कुंडाले का रिजॉर्ट जाकर अपना वैलेंटाइन वीक मनाया। इस दौरान पुनीश और बंदगी ने अपने प्यार के बारे में ढेर सारी बातें शेयर की। खास बात यह है कि पुनीश ने अब तक बंदगी को ऑफिशियली प्रपोज नहीं किया है। पुनीश का कहना है कि वे बंदगी को पेरिस ले जाकर एफिल टावर पर प्रपोज करना चाहते हैं। बता दें कि पुनीश और बंदगी का प्यार बिग बॉस के घर में पनपा था। कहा जा रहा था कि बिग बॉस खत्म होते ही इनका रिश्ता खत्म हो जाएगा, लेकिन बिग बॉस के बाद भी दोनों साथ बने हुए हैं। पुनीश ने बंदगी की तारीफ में कहा कि बंदगी जैसी बाहर से खूबसूरती दिखती हैं, वैसी ही अंदर से भी हैं। वह अच्छे दिल की इंसान है। बंदगी ने कहा कि पुनीश बच्चों की तरह मासूम है। शो में जिस तरह वे रिएक्ट करता था वे स्वाभाविक होता था। जन्मदिन विशेष फिल्म बॉबी के लिए इस सेक्टर ने ली थी सिर्फ 1 रुपए फीस। पुनीश बिग बॉस के अंतिम 4 कंटेस्टेंट में शामिल हुए थे। वे कॉमनर कैटेगरी में थे। दिल्ली के रहने वाले पुनीश का कहना है फैंस चाहते हैं कि वे बंदगी के साथ ही मुंबई रहें। लेकिन पुनीश का कहना है कि दिल्ली में उनका कारोबार है, इसलिए वे दिल्ली नहीं छोड़ सकते।